हेलो दोस्तों, एक्सेल की शानदार वीडियो में एचलुकअप फॉर्मूले का यूज करके हम इस टेबल में से किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स निकालना सीखेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक टेबल ली हुई है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे अंकिता के सभी मार्क्स निकाल कर हमें इस टेबल में रखने हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल टू एचलुकअप ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू में। अब मुझे इस टेबल में से स्टूडेंट्स के अब मुझे इस टेबल में से अंकिता के मार्क्स निकालने, तो इसके लिए मैं स्टूडेंट वाले कॉलम को लुकअप वैल्यू में रखूंगा, देन कॉमा, उसके बाद टेबल एरे। अब इस टेबल एरे में मैं पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद में F4 से इसको लॉक कर दूंगा, देन कॉमा। अब उसके बाद रो इंडेक्स नंबर, अब मुझे रो इंडेक्स नंबर में देखना है कि अंकिता कौन से नंबर पर है। इसके लिए 1, 2 और 3, अंकिता तीसरी रो में, तो इसके लिए मैं 3 लिख दूंगा, देन कॉमा। उसके बाद रेंज लुकअप में ट्रू और फॉल्स, अगर मैं ट्रू करूंगा तो मुझे अप्रॉक्स मैच मिलेगा, लेकिन मुझे एग्जैक्ट अंकिता के ही मार्क्स निकालने, तो इसके लिए मैं फॉल्स लिखूंगा। या तो मैं फॉल्स लिख सकता हूं या फिर मैं उसकी जगह 0 लिखूंगा, जैसे मैं इसमें 0 लिखूंगा, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर, और उसके बाद मैं फॉर्मूले को यहां पर ड्रैग कर दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझे इस टेबल में से अंकिता का नाम आ गया है, और उसके बाद हिंदी में 99, तो सेम 99, इंग्लिश में 80। तो इस तरह मैं एचलुकअप फॉर्मूले से इस टेबल में से किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स निकाल सकता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।